हेलो गाइस, वेलकम टू मल्टी न्यूज़। तो गाइस आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से रिलेटेड काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में, बात करेंगे कुछ एस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन मार्वल के ऑफिशियली कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुए हैं। इस कॉन्सेप्ट आर्ट में कैप्टन मार्वल लास्ट की फाइट में लड़ती नजर आ रही है क्री साम्राज्य के सबसे बड़े जायंट सुपर रोबोट से, जो कि कैप्टन मार्वल अपनी फुल पावर से लड़ रही हैं। और देन इस कॉन्सेप्ट आर्ट में हमें ये पता चला कि शायद लास्ट की फाइट कुछ एक्स्ट्रा ही ऑर्डिनरी होने वाली थी। और देन उसी के साथ उनका सामना बड़े बड़े एरोप्लेन यानी कि एक जेट से होने वाला था, जो कि क्री साम्राज्य के थे। और देन रोबोट से सामना होने वाला था, पर हमें देखने को क्या मिला, कुछ अलग ही हटके। देन उसी के साथ अगला अपडेट है काफी कमाल का। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने इस साल 3 पिक्चर रिलीज करी, जो कि सबसे पहली मूवी थी कैप्टन मार्वल, फिर उसके बाद एवेंजर एंड गेम जो कि ब्लॉकबस्टर रही, उसी के बाद रिलीज हुई लास्ट में इस साल की स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। तो ये तीनों ही मूवी ने 5 बिलियन कंप्लीट कर लिया मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। जी हाँ, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है मार्वल के लिए, डिज्नी के लिए भी। और देन इससे पता चलता है कि अगर मार्वल कुछ भी काम करेगा तो वो सक्सेसफुल ही रहेगा। उसी के साथ एक और अपडेट है काफी कमाल का। जब कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क टाइम ट्रेवलिंग करके पीछे बैक में गए थे, तो अभी हाल ही में VFX आर्टिस्ट ने एक वीडियो रिवील्ड करी जिसमें कि डॉक्टर जोला को देखा गया, जहां पर टोनी ट्रेसरेट क्यूब लेने आता है। तो देन ये बहुत बड़ा ईस्टर एग था, जिससे कि पता चलता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर वाला एक छोटा सा ईस्टर एग, जो कि उसके लिए सीधा रेफरेंस था। और एक और अपडेट है काफी कमाल का। जब नेबुला और वॉर मशीन टाइम ट्रेवलिंग करके स्टार लॉर्ड के पास गए थे, तो फाइनली उनकी स्क्रीन पे मॉनिटर पे 3 डेट थी, जो कि थी करीब एक 2009 की, 2014 की और एक थी 2988 की। तो ये रिलीजिंग डेट क्या दर्शाती है, ये तो बहुत बड़ा सस्पेंस बन चुका है। देन उसी के साथ एक और अपडेट काफ़ी कमाल का कि हेमडाल रिटर्न हो रहे हैं। जी हाँ गाइस, और थॉर की मूवी में चौथे पार्ट में देखने को मिलेंगे। डूम की फाइनल स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है और नोवा जो कि इसके डायरेक्टर हैं और राइटर हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से मार्वल स्टूडियोज़ के ऊपर एक मूवी बनाए। डिज्नी ने अभी हाल ही में एक्स मैन द न्यू म्यूटेंट मूवी देखी होगी और वो इससे बिल्कुल इंप्रेस्ड नहीं है। अब शायद वो इस मूवी को डिस्ट्रॉय कर दें या रिलीज ना करें, वो उनके ऊपर है। वंडर वुमन का ऑफिशियली कौन सा पार्ट रिलीज हुआ है, जो कि है चीता से लड़ते हुए गोल्डन आर्मी सूट में, काफ़ी कमाल का लग रहा है। जोकर का ऑफिशियली एक मैगजीन कवर लॉन्च हुआ है नए मेकअप में, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। तो गाइस कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो लाइक करें, शेयर करो। जो मैं इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर हल्के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।